हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हमारी बेबी की जब सॉलिड स्टार्ट हो जाती है, हम लोग बेबी को देना शुरू करते हैं सेरेलैक्स। जो हम बेबी को सेरेलैक्स देते हैं, जो नया माँ बनती है, जैसे कि एक न्यू मॉम है, उसके दिल में ये डाउट जरूर रहता है कि हम सेरेलैक्स को दूध के साथ दें या पानी के साथ दें। किसके साथ देने से बहुत अच्छा रहेगा एंड बहुत फायदेमंद होगा एंड मेरी बेबी की अच्छा ग्रोथ होगी, एंड किसके साथ देने से बहुत सही रहेगा, मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है कि हम पानी के साथ देने से ये होगा, दूध के साथ देने से ये होगा। हर एक नियम आपको बहुत कुछ चीज़ें तो पता ही नहीं होती है ना, हम देख देख के सीखते हैं, दूसरे बताना सीखते हैं, हम हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं। तो इसीलिए एक माँ के दिल में ये डाउट जरूर रहता है, क्योंकि वो आपके बच्चों को लेकर उतना केयरफुल भी रहता है। बच्चे को जब हम सेरेलैक्स दे रहे हैं पानी के साथ दें या हम दूध के साथ दे, देखिए मैं पहले आपको ये बता दे रही हूँ, सिंपली सी चीज़ है। जब हम पानी के साथ दे रहे हैं, दूध के साथ देने की जब डाउट आपके दिमाग में आती है ना, जब बेबी आपके पहले 6 मंथ होने के बाद हम सेरेलैक्स शुरू कर रहे हैं, खाली जब सेरेलैक्स हम शुरू कर रहे हैं, सिर्फ सेरेलैक्स तो नहीं दे रहे, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग को 6 मंथ के बाद फ्रूट्स भी दे रहे हैं और बाकी राइस दाल वगैरह भी, छोटा थोड़ा थोड़ा हरी सब्जी भी बहुत कम क्वांटिटी में, जैसे कि एप्पल बॉइल करके, बनाना, वो सब चीज़ें भी हम दे रहे हैं। ऑलरेडी सेरेलैक्स में दूध रहता है, तो हमको उसमें दूध और देने की जरूरत नहीं है। और हम पानी की बात करें, हाँ, उसको पानी में सेरेलैक्स को देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को ना दूध को डाइजेशन करना बहुत मुश्किल होता है, अगर हम उसमें और आउटसाइड वाला दूध मिला देंगे, छोटे छोटे बच्चे वो दूध को डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन नहीं होने की वजह से पेट में दर्द होती है, ठीक से उनको मोशन नहीं होता है। तो इसलिए हम उसको दूध को अवॉइड जरूर करना चाहिए, हम उसको सेरेलैक्स को पानी भी देना चाहिए। एंड सेरेलैक्स एक तो प्रीमिक्स फूड होता है, उसमें कुछ करना नहीं है, बस गर्म पानी है, गर्म पानी को मिलाओ दे दो। एंड अगर आप दूध दे रहे हो, देखिए अगर आपकी बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए, 9-10 मंथ्स की हो जाती है, उसका डाइजेशन का जो होता है ना, थोड़ा उसको अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, उस टाइम अगर आप दे सकते हो तो अलग बात है, डाइजेशन उसको सही हो रहा है। और आप 6 मंथ में सेरेलैक्स देना स्टार्टिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग से आप उसको दूध दे रहे हो, तो हो सकता है उसको डाइजेशन नहीं होगी, हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हो सकता है उसको पेट में दर्द होने लगती है, वरना वो अचानक रोने लगेगा। तो इसीलिए आप अवॉइड करें, आप पानी में ही दें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी तो सेरेलैक्स में दूध रहता है, तो उसमें और हमको दूध एक्स्ट्रा आउटसाइड के ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये थी आज का इस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।